हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अजय जी आप आ गए, 4 साल लग गए हमारी शादी की पार्टी में। शान तो तुम्हारे पास है, बहुत बहुत मुबारक। वैसे हमारे पास तो खुशी के दो दो मौके हैं, एक हमारी शादी की पार्टी और दूसरा आज आपकी फिल्म एक्शन जैक्सन रिलीज हुई है। हनीमून पे जाने से पहले जरूर देख के जाना। अब एक्शन जैक्सन के बारे में कुछ बताइए ना। लव स्टोरी है, आई थिंक बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट्स और टर्न्स के साथ, प्रभुदेवा स्टाइल विद एक्शन कॉमेडी सब भरा हुआ है। मैंने सुना आप इस फिल्म में 1, 2 नहीं 3-3 हीरोइंस के साथ। तो मैं एक ही के साथ खुश हूं। सर एक ऑटोग्राफ मिलेगा? या श्योर श्योर। कीर्ति चलो यहां से, चलो चलते हैं। मैं नहीं चाहूंगी, मैं उन दोनों को आशीर्वाद दिए बिना नहीं चाहूंगी। अरे कीर्ति तुम समझती क्यों नहीं हो, अरे उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो हमसे नफरत करता है। कैसी बात कर रहे हैं, वो बच्चा है, मैं उसकी माँ हूँ, आप मुझे समझा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं नहीं चाहता हूँ कीर्ति कि वो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाए। देखो कीर्ति, शायद हम ऐसे माँ बाप है जिनके भाग्य में औलाद का सुख नहीं होता है। चलो तुम समझा करो, चलो चलो तुम यहां से चलो निकलते। सुनिए आप लोग यहां क्या कर रहे थे? बेटा हम बेटा बेटा नहीं, यहां आपका कोई बेटा नहीं है। लेकिन सच तो ये कि हम तुम्हारे मां बाप हैं और तुम हमारी औलाद हो। खबरदार, खबरदार होकर ये शब्द अपनी जबान में आप दोबारा लेकर आए। आप दोनों मेरे मां बाप कभी भी नहीं थे और ना कभी हो सकते हैं। हुआ और फूफा जी मेरे असली मां बाप हैं। आप लोगों ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, अगर वो नहीं होते आज मैं भी नहीं होता। मेरे बच्चे, आप लोग बस यहां से निकल जाइए और दोबारा पलट के मत देखना। समीर एक बार उनकी सुन तो लो। नहीं फूफा जी, अब सुनने सुनाने का वक्त नहीं रहा। अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार है तो चले जाइए यहां से। कीर्ति चलो, चलो यहां से, चलो यहां से। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा, समझे तुम? खाना खा के जाना पड़ेगा आपको, बिना खाना खाए नहीं जा। अरे नहीं यार, मुझे प्रीमियर में पहुंचना, इसी पे कर दूंगा। सर आप यहाँ? यही बात तो मैं तुमसे भी पूछने वाला था अजय, तुम यहाँ कैसे? अपने दोस्त की शादी पे आया था। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ हो गया क्या? कुछ हुआ नहीं, होने वाला है। क्या समीर, लगता है आंचल को कुछ हो गया। क्या हो गया? हो गई गड़बड़, यार चल के देखना चाहिए ना। हाँ आंचल, आंचल, आंचल दरवाजा खोल नहीं रही है। आंचल दरवाजा खोलो। आंचल, आंचल ने दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर लिया? आंचल दरवाजा खोलो। आंचल क्या सर, दरवाजा तोड़ दो। आप लोग थोड़ा पीछे जाइए, चलिए आप लोग पीछे जाइए प्लीज। सीआईडी ऑफिसर, तुम सीआईडी ऑफिसर हो ही नहीं सकती।
पंकज नजर रखो इस पर। सर कमरे की हालत देख के तो यही लगता है कि कोई जोर जबरदस्ती आंचल को यहां से ले गया है। लगता है आंचल को इधर से लेके गया है। कौन? लगता है वो लड़की जानती होगी जिसने दरवाजा तोड़ा है, जयवंती शिंदे। सर मुझे पता था कि आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आ गया। चक्कर क्या है, क्यों भाग रहे हो? चोर है सर। क्या चुरा है? सर दागिने। दुल्हन के कमरे से चुराए? नहीं सर, दुल्हन के कमरे के सामने एक आदमी था इसलिए हम वहां गए ही नहीं। कौन था वो आदमी? वो तो हमारे जैसा ही दिखता था, पता नहीं। पंकज कहाँ है वो लड़की, कहाँ है वो जयवंती? सर उसे एक फोन आया और वो चली गई सर। तुमने उसे जाने दिया? सर नहीं सर, मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन वो बहुत तेज है सर, वो चली गई यहाँ से। अरे यार हमें बुला सकते थे ना। वही तो थी अंदर आंचल के साथ। सर इन चोरों ने देखा है कुछ, ये गहने चुरा के भाग रहे थे। अरे ये तो मेरे गहने हैं। क्या देखा तुम दोनों ने? इन्होंने देखा कोई आदमी खड़ा था आंचल के दरवाजे के बाहर। हो सकता है उस आदमी का भी हाथ हो आंचल को गायब करने में। रेडी पंकज, इन दोनों को लेकर जाओ और उस आदमी का स्केच बनवा लो इनसे। चल रजय, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मदद की तुमने हमारी, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी फिल्म एक्शन जैक्सन के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। थैंक यू सो मच सर, और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग ये फिल्म जरूर देखें। जरूर सर। ओके सर, थैंक यू, ऑल गुड लक। गुड लक। जयवंती शिंदे मेरे सामने ही बोलती है वो कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं। मेरे सामने सर, आपके जाने बगैर कोई सीआईडी में कैसे घुस सकता है? क्यों दया? मगर आ गई ना। आ गई सर। जयवंती शिंदे रिपोर्टिंग सर, सीआईडी ऑफिसर जयवंती शिंदे। और तुम यहाँ पर सीआईडी ऑफिसर बनकर आई हो? यस सर। तो फिर वहां से भागे क्यों? वो भी मुझे धक्का देके सर। सर मेरे बॉस का फोन आ गया था कि वहां से निकलो। बॉस? यहाँ पर सिर्फ मैं बॉस हूँ, एसीपी प्रद्युमन। सर एक्चुअली वो मेरे पहले बॉस है। पहला बॉस है कौन ये पहला बॉस? पानीपत। पानीपत ये कौन बोला? वही आपका फ्रेंडली नेबर डॉक्टर। डॉक्टर चित्रोले। हो गया आज का दिन खराब, खाना भी नसीब नहीं होगा सर। सर आप पानीपत गए थे? आपको मालूम है इतिहास के कुछ पन्नों पर पानीपत लिखा हुआ है। पानीपत की लड़ाई के बाद कुछ मराठा वहीं बस गए थे हरियाणा में, उनमें से ही एक वंश की लड़की है ये। क्या नाम आपका? जयवंती शिंदे सर। जयवंती शिंदे जो दरवाजा तोड़कर भागी वहां से। नहीं नहीं उसमें इसका कोई कसूर नहीं है, कसूर इस दया का है। क्या? वो कैसे? जब जब ये दया दरवाजा तोड़ता है तो सोशल नेटवर्क में एक आग सी फैल जाती है कि एक और दरवाजा गया काम से, दरवाजा वायरल वायरल हो जाता है। ये भी सुनती रहती है। जी सर। इसने तोड़ा ये दया, ऐसे तोड़ते हैं दरवाजा, समझे? दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छा तोड़ा। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो जहाँ दरवाजा दिखा तोड़ दोगी? अरे मैंने देखा लड़की में जोश है, कुछ करने मरने को तैयार है। मैंने कहा चलो, 6 महीना ट्रेनिंग चली, दिन रात दरवाजे तोड़े इसने। 6 महीने की ट्रेनिंग, दिन रात दरवाजा तोड़ने की, और क्या? तो ये डिटेक्टिव कब बनेगी सर? देखो दया,
ये सब एक एक करके ही। ये आचल को गायब क्यों किया तुमने? सर मैंने? हाँ तुम ही थी ना अंदर? जी सर। तो फिर कहाँ गई वो? सर एक्चुअली जब मैं कमरे में गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, मुझे लगा चोर ना चोरी करके भागा होगा। जब मैं दरवाजे पे पहुंची तो वो भी बंद था, इसीलिए सर मैंने दरवाजा तोड़ दिया। तो फिर ये आंचल गई कहाँ? सर जो आदमी आंचल के कमरे के बाहर देखा गया था कहीं उसी ने तो गायब नहीं किया? अरे क्या फेंके चले जा रहे हो, जरा वहां जाके देखो कि दरवाजे के बाहर कौन कौन से फोन थे, तब पता चल जाएगा कौन था वहां पे। हाँ देख लेते हैं सर। हाँ ठीक है चलो देखो। ये वो जगह जहां पे शादी हो रही थी। नहीं, यहाँ तो सैकड़ों फोन है, गलती कर दी बोल के। ये 7:30 बजे थे, 7:30 बजे, शादी 7:30 बजे हुई ना, है ना जी? हाँ तो 7:30 बजे कौन कौन से फोन थे वो देखो। कौन सी मुसीबत लेकर आए आप यहाँ पर? 7:30 बजे सर। सर आंचल के कमरे के दरवाजे पे दिखने वाले आदमी का स्केच बन गया। बन गया? जी सर। चलो दिखाओ। सर मैंने कंप्यूटर पे भेज दिया। हाँ अरे ये तो रॉबिन है, समीर का बाप, ये खूनी है। इसने गायब किया है आंचल को। हमारी बहू है ये, हे भगवान क्या फिर से जेल जाना चाहते हैं? कर क्या रहे? हो ही नहीं सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे डैडी कहाँ पे रहते हैं। मुझे नहीं मालूम सर। अपने डैडी के घर का एड्रेस मालूम नहीं? सर मैं सच में नहीं जानता। अब क्या हो गया? इसको पूछो इसके डैडी कहाँ पे रहते हैं। कहाँ रहते तुम्हारे डैडी बताओ जल्दी। अरे यार कुछ तो मालूम होगा कहाँ रहते हैं, कोई सड़क कोई गली कोई मोहल्ला कुछ तो मालूम होगा। सर कुछ नहीं मालूम मुझे, सर कुछ नहीं मालूम। सर यार मेरी जान निकली जा रही,
शादी के पीछे मेरी बीवी गायब हो गई। ये सब मेरे बाप ने किया है, सब मेरे बाप ने किया है। ये तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मेरा बाप कूली है। कूली है मेरा बाप। कैसा क्या हो गया है? कैसे आप जैसे आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक आदमी अपने माँ बाप को दुख में रो रहा है और आप कूदे जा रहे हो कंगारू की तरह। दो मिनट क्या? दो मिनट मैंने अपने आप से बैट लगाई कि ये आदमी 2 मिनट में रोएगा। 2 मिनट में जो आदमी पूछताछ के वक्त 2 मिनट में रो पड़ता है उसका मतलब ही यही है कि वो ड्रामा कर रहा है। हमने तुमसे पूछा कि डैडी कहाँ है और तू रो पड़े? क्योंकि पिछले 10 साल से मैंने अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी थी। मेरे पापा 10 साल पहले मुझे छोड़ के चले गए थे। इनके डैडी रॉबिन के घर का पता मिल गया। बस रोना बंद, काम खत्म। पाटिलवाड़ी फौरन वहां पर जाओ और देखो ये रॉबिन वहां पर है क्या। Yes, sir. Sir. तुम कुछ भूल रहे हो। नहीं सर, गन है मेरे पास। नहीं, गन तो कुछ और। कुछ और क्या सर? जयवंती? ये सर। सर ये भी तुम्हारे साथ आएगी? नहीं सर, ये प्लीज। ये कैसे? दया मेरी बात सुनो, आज तुम इसे अपने साथ में लेकर जाओ। जिस दिन ये सीआईडी का ग्रांट खत्म हो जाएगा ना चित्रोले नाम का, तब नई टीम बनाऊंगा मैं। आज लेकर जाओ इसे अपने साथ, जाओ। सच्ची करता है कि इनके दोनों टांग मरोड़ दो। अरे दया कुछ कहा क्या मेरे बारे में? नहीं सर। तो फिर दर्द क्यों हो रहा है? जयवंती जाओ। अरे प्रद्युम्न। सर। ये दया ने कुछ बोला क्या मेरे बारे में? अभी तो सिर्फ बोला है सर। मगर बोला क्या? जिस दिन आप सीआईडी छोड़कर चले जाएंगे ना उस दिन पूरे सीआईडी में खुशी की लहर फैल जाएगी। पर ठीक हो गया। यही है ना? हाँ सर, यही घर है रॉबिन का। हमारे रिकॉर्ड्स में तो यही एड्रेस लिखा है। दरवाजा खोलो। सर सब सुमसाम। सर दरवाजे को 2 बार ठोका, समझो अंदर सब धोखा। मतलब सर आदमी अंदर है। अरे वाह सर, इन्हें तो अंदर का भी दिखाई दे रहा है। फ्रेडी अंदर का दिख नहीं रहा है, इन्होंने दिमाग लड़ा है कि शायद कोई अंदर है। Yes, sir. बैग में क्या है? घर का सामान है। घर में तो कोई भी नहीं है, सामान किसके लिए लाया? नहीं अभी अभी तो रॉबिन साहब का फोन आया था कि जरूरी सामान चाहिए उनको। इधर ही रुका। सर आदमी अंदर ही है, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा।
तुम तोड़ोगी? सर, आपके होते हुए मैं कैसे हिम्मत कर सकती हूँ? रेडी, पंकज, बैग चेक करना। चाकू मिला। चाकू? हाँ सर, ये रॉबरी करने आया था। जयवंती ने पकड़ लिया ऐसे भाग के। गुड, ले जाओ उसे। कीर्ति जी, कीर्ति जी, जयंती, इशिता। माय गॉड। सर पे चोट लगी है, जिंदा है। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। यस सर। सर। हाँ। सर ये मर चुकी है। ओह नो। क्या हुआ? सर बहुत बुरा लग रहा है। आदत डाल लो। यस सर। सर ये रॉबिन का ही दिखाई नहीं दे रहा है, वही उसी ने तो इन दोनों को शायद। जी, हम लोग सीआईडी से हैं। देखिए, जब हम आपके घर पहुंचे तो आप बेहोश थी और आपकी बहू आंचल का किसी ने खून कर दिया। रॉबिन, वो कहाँ है? ये हम आपसे जानना चाहते हैं कीर्ति जी, कहाँ है रॉबिन? बताइए कीर्ति जी। रॉबिन ने आंचल को मारा और भाग गए वहां से? सर, 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 मैंने सुना है मेरी आंचल। तुम्हारी आंचल अब इस दुनिया में नहीं रही। आंचल नहीं रही? आंचल आज
किसने मारा मेरी आंचल को? बताइए कीर्ति जी, क्या हुआ आपके घर में बताइए, और रॉबिन कहां है? सर, उन्होंने ही मारा होगा मेरी आंचल को और गायब हो गए। कीर्ति जी, आप बताती क्यों नहीं? आखिर आप ही एक गवाह उस हादसे की। क्या हुआ था वहां पे? मेरी बीवी का खून हो गया और आप अब भी मुंह बंद करके बैठी। बताइए क्या हुआ था आपके घर में? नहीं बताएंगी सर, कुछ नहीं बताएंगी। असल में इन्हें अपने इस बेटे से ज्यादा उस खूनी सुहाग से प्यार है, बचाना चाहती है उसको। हाँ सोनू, के क्या हुआ, क्या पता चला? बस आंचल का खून उसी गन से हुआ है जिस गन से रॉबिन ने 10 साल पहले किसी का खून किया था। क्या? हाँ सर, दोनों बुलेट्स एक जैसी हैं। ये देखिए। हाँ, दोनों बुलेट तो मैच हो रही है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि रॉबिन उसी गन से आंचल को क्यों मारेगा जिस गन की वजह से 10 साल पहले उसे सजा हुई थी। समीर को ब्यूरो बुलाना पड़ेगा। सर, रॉबिन का फोन ऑफ है, लेकिन उसने जिन लोगों को पिछले कुछ दिनों में फोन किया है उनके नंबर्स की लिस्ट हमारे पास है। ये देखिए सर। सर, ये सर, वैसे तो मैं ज्यादा बोलती नहीं, बोलती हूँ तो कम ही बोलती हूँ। अब पूर्वी ने सब बोली दिए है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि ज्यादा बोलने से क्या है ना, मुंह दुखने लगता है, कान बजने लगते हैं, दांत घिस जाते हैं। नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर, मैं ये कह रही थी कि एक आदमी को रॉबिन ने 10 बार फोन किया। अच्छा, चल एक तो काम की बात बोलिए। वैसे किसको फोन किया था इसने 10 बार? सर ये देखिए सर, सर इस नंबर 1390055538। इस आदमी ने रॉबिन के साथ एक बार बात की, उसके बाद उसने उसका फोन ही नहीं उठाया। वैसे नंबर है किसका? सर, मेरा। ओहो, अच्छा तो ये बात है। हा? नहीं सर, वो बात नहीं है। हम दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं रॉबिन को, और यहाँ पे उनके बेटे जी ने बाप को कहीं छुपा दिया है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हें फोन किया था? नहीं सर, मैंने बस एक बार कॉल रिसीव किया, हेलो बोला और फोन कट कर दिया। सर, सर एक और नंबर है जिस पर इनके डैडी ने 3 बार फोन किया। किसे फोन किया था? सर
01592560011. जानते हो किसका नंबर है ये? हाँ सर। किसका है? आंचल का। आंचल? क्या? आंचल? ये मत बोलना कि तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी बीवी को फोन किया था। नहीं सर, आंचल ने मुझे बताया नहीं। आंचल ने तुम्हें बताया नहीं? क्यों नहीं बताया? मालूम नहीं सर। ए, नाटक बंद कर, समझा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप बेटे दोनों ने मिलकर आंचल को मारा है? नहीं सर, मेरे को कुछ नहीं। रोना शुरू कर दिया। ये आंचल के माता पिता शादी में आए थे ना, पता लगाना पड़ेगा वो लोग इस वक्त कहां पर है। अंदर बोलो साइलेंस, अंदर साइलेंस। यहाँ तो शूटिंग चल रही। स्टैंड बाय। अरे कहाँ चले आ रहे हैं? रोल कैमरा पास है अपनों के पास। पास? रोलिंग। किस बात का पास? एक्शन। अरे शूटिंग देखने आए हो ना? अरे नहीं नहीं, हम लोग शूटिंग वूटिंग देखने नहीं आए, हमें आंचल के परिवार वालों से बात करना है। आंचल? अरे यहाँ कोई परिवार नहीं रहता है, ये घर हम लोग टीवी सीरियल और फिल्म वालों को शूटिंग पर देते हैं, और मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। लेकिन आप ये पूछताछ क्यों कर रहे हैं? ओके गार्ड। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्या बात है सर? ये आंचल है। कुछ दिनों पहले ये घर उसने किराए पर लिया था शूटिंग के लिए। शायद किसी मीटिंग के लिए लिया था। एक्सक्यूज मी, क्या ये मैं फोटोग्राफ देख सकती हूँ? देखिए, ये आंचल है, आप पहचानती हैं? सर इसका नाम आंचल नहीं, स्मिता है। क्या? स्मिता? जी हाँ, ये स्मिता है और ये एक एक्ट्रेस है, और इसने शायद कुछ टाइम से एक्टिंग करना बंद कर दिया। इसका एड्रेस है आपके पास? नहीं सर, इसका एड्रेस तो नहीं मालूम हमें। चलो ठीक है, थैंक यू। नाम गलत पता। आंचल, आई मीन स्मिता तो बहुत बड़ी कलाकार निकली सर। अभिजीत, अब देखते हैं स्मिता के माँ बाप कितने बड़े कलाकार हैं। क्या तुमने उसे फोन किया? फोन तो किया था, मगर उसने फोन रिसीव नहीं किया। उसने हमारे साथ धोखा किया है। सिर्फ धोखा दिया होता ना फिर भी चल जाता, लेकिन उसने हमें फंसाया है। स्मिता का खून हो गया है, अब सीआईडी हमें छोड़ेगी नहीं। हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ देना होगा, वरना हम दोनों को जेल हो जाएगी। नहीं नहीं, जेल का नाम मत लो, चलो हम अभी के अभी यहाँ से निकल जाते हैं। चलो जल्दी करो। प्रद्युमन कहाँ जा रहा है? आइए आइए मैडम, ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ। बेटी की शादी कराई थी ना, खून हो गया है उसका, तुम लोग भागने के चक्कर में हो, जेल कौन जाएगा? नहीं नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया, हमें तो पैसे मिले थे आंचल के नकली माँ बाप बनने के लिए। हाँ सर, कुछ भी किया है वो, उसी ने किया है सर। कौन है वो? कौन है वो? मेरा भाई इतना निर्दयी और खूंखार निकलेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हेलो, क्या? लेकिन कब? क्या हुआ? कीर्ति हॉस्पिटल से भाग गई। अरे कीर्ति, तुम कीर्ति, ये सब क्या है?
भाभी तुम और गन। दीपाली तुम बीच मत आना। लेकिन आप चाहती क्या है? आगे मत पढ़ना। बताओ कुणाल कहाँ है मेरे पति? हमें कैसे पता कहाँ है वो? नहीं इसे सब पता है, इसे सब पता है। बताओ कुणाल रॉबिन कहाँ है? कीर्ति पहले बंदूक नीचे करो। अरे मैं क्या जानू कहाँ है वो? आप क्या नाप शनाप बोले जा रही है? आपको पता होगा, इन्हें कैसे पता वो खूनी कहाँ है? समीर बेटा आप तुम इतने बड़े हो चुके हो कि सच्चाई जान सको। खूनी तुम्हारे पिताजी नहीं बल्कि तुम्हारा ये फूफा है। खून इसने किया और इल्जाम तुम्हारे पिताजी पर लगा दिया। कीर्ति क्या बोल रही हो? समीर ये झूठ बोल रही है। नहीं कुणाल तुमने तब भी झूठ बोला था और आज भी तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने झूठ बोलकर मेरे पति को जेल भिजवाया, तुमने खून किया और रॉबिन को मजबूर किया अपना गुनाह कबूल करने के लिए ताकि तुम हमारी सारी दौलत हथिया सको। खून तुमने किया। बस भाभी आप अपने पति को बचाने के लिए मेरे पति को फंसा रही हैं। नहीं दीपाली फंसा नहीं रही, सच बोल। 10 साल मैं अपने बच्चे से दूर रही इस इंसान की वजह से। बोलो कुणा कहाँ है मेरे पति वरना आज ये गोली चल जाएगी। समझदार समझदार जबाश मुझे मारने चली थी मुझे। जानती कौन हूं मैं? कुणाल मेरे चंगुल से तू और तेरा पति कभी नहीं निकल पाओगे। फूफा जी आप है सबके पीछे। सच्चाई पता चल गई समीर बेटा है? और प्यार जाग गया, माँ बाप के लिए प्यार जाग गया तेरा है। लेकिन तू भूल गया है कि सारे सबूत तेरे बाप के खिलाफ हैं, सारे सबूत। अब तू और तेरी माँ तेरे बाप के साथ साथ मेरे कब्जे में है। अच्छा अभी पता चल जाएगा कौन किसके कब्जे में। बहुत बेचैन थी ना पति से मिलने को। चल चल समीर। समीर तू हमारा राज जान चुका है और मैं जानता हूं कि तू हमें चैन से जीने नहीं देगा। फूफा जी प्लीज प्लीज मेरे मम्मी पापा की जान बख्श दीजिए। छोड़ दूंगा उनको मैं। समीर अगर तू ये रस्सी खींच कर अपने माँ बाप की जान बचा सकता है तो बचा ले। फैसला तेरे हाथ में है, तू इन्हें बचाएगा या फिर मुझे सजा देगा। नहीं समीर भाई इसको जाने मत देना, इसमें इसकी चाल हो सकती है, मत जाने देना इसे। नहीं पापा मैं आप लोगों को खो नहीं सकता। फूफा जी आप जा सकते हैं। वेरी गुड समीर वेरी गुड। ये ले रस्सी और बचा ले अपने माँ बाप की जान। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरी फ्लाइट का टाइम हो चुका है। जो भी चल CID Oh!
लोगों को छत से गिराने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को, आज मैं बताती हूँ कैसा लगता है छत से गिरते हुए। ऊपर से नीचे आते कैसा लगता है ये तो देख लिया तुमने, अब नीचे से ऊपर जाते कैसा लगता है ये भी देख लो। क्यों? 10 साल पहले तुमने एक खून किया और फिर रॉबिन कर इल्जाम डाल दिया ताकि वो जेल में सड़ता बैठे है? और कीर्ति जी को मजबूर किया कि वो अपने बेटे से दूर चली जाए, है ना? क्यों किया तुमने ऐसा? पैसों के लिए, क्योंकि दीपाली और रॉबिन बहुत पैसे वाले थे, मुझे लगा दीपाली से शादी करके मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, लेकिन शादी में मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने रॉबिन को फंसाया। और रॉबिन तुम रिसेप्शन के वक्त आंचल के कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहे थे? सर मुझे पहले ही पता चल चुका था कि कुणाल ने आंचल को हायर किया हुआ है ताकि आंचल समीर को अपने प्यार के जाल में फंसाए रखे और इसका समीर की दौलत पर कब्जा बना रहे। सर मैं अपनी साजिश में ही कामयाब हो ही जाता, लेकिन आंचल मुझे ब्लैक में लगी थी करने, इसलिए मजबूरी में आकर मैंने आंचल को मरवा दिया और सारा इल्जाम रॉबिन पे लगाने की कोशिश की। वाह रे वाह, एक तीर से दो दो शिकार। रेडी पंकज, ले जाओ इन दोनों को। सर सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से मेरे माता पिता के बारे में जो भी गलत फहमी थी वो दूर हो गई, और अब हम साथ साथ हैं। बेकसूर को न्याय और मुजरिम को सजा देना ये CID का कर्तव्य है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.